गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। देखो बच्चों, आज मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा, व्हाट इज एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, आपने क्या सीखा था? वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम था, आपने पढ़ा था ना, कि जब हम ये देखते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे हमारी दूरी घट बढ़ रही है, तो वो क्या है? वेलोसिटी आपने सीखा था, या डिस्प्लेसमेंट भी जनरली यूज करते हैं, लेकिन सिंपल फॉर्मूला डी अपॉन टी। अब बच्चों देखो, एक्सीलरेशन क्या होता है? सपोज करो अपने घर से आप स्कूल के लिए आ रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, तो क्या होगा? आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और जैसे इस समय लॉकडाउन है तो पूरी सड़क खाली है, आप बहुत तेज जा सकते हो, तो वेलोसिटी घटती बढ़ती रहती है ना। तो ये जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, उसको लिखते हैं ए से, और ए इक्वल टू होता है वी माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ वेलोसिटी में आपको एक बेसिक चीज सीखना है कि वेलोसिटी दो प्रकार की होती है, एक होता है वी और एक होता है यू। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों, वी क्या है और यू क्या है? यू शुरुआत का वेग है, शुरुआत की वेलोसिटी है। मान लिया आपने घर से आप निकले, तब जो वेलोसिटी थी वो यू थी, और जब आप स्कूल पहुंच गए तो वो क्या हो गई? वी। ये बच्चे ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये आपको बहुत अच्छे समझ लेना है, इनिशियल फाइनल। ठीक है, अगर मान लिया आप अपने घर से निकले, स्कूल पहुंच गए, तब पूछेंगे आपकी वेलोसिटी कितनी, जवाब दी बताओगे। और जब आप स्कूल घर से चले थे तब क्या बताओगे? आप यू बताओगे। ये आपको बहुत ध्यान रखना बच्चों। तो एक्सीलरेशन सिंपल क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब बच्चों, ये जो आपने सीखा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इनका यूज करना है अपने चैप्टर मोशन में। तो बच्चों, मोशन में क्या है, पहले आपको तीन फार्मूले सीखने पड़ेंगे, उनका डेरिवेशन, और उन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सीलरेशन कितना है, उसकी वेलोसिटी कितना है, या मान लिया उसका डिस्टेंस कितना है, ये सब चीजें आप निकालना सीखोगे। तो पहले आप ये तीन फार्मूले सीखो बच्चों। पहला फार्मूला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फार्मूला क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला क्या है बच्चों? ये है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये फार्मूला। तो बच्चों, आओ बात करते हैं अपने पहले फार्मूले की। आज आपको मैं सिर्फ एक डेरिवेशन सिखाऊंगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान है। आप जानते हो कि a इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टी। अब समझ लो, आप मैथ पढ़ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, टी को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, एटी इक्वल टू आ गया वी माइनस यू, यू को यहां भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, यू प्लस एटी बराबर वी, और या फिर वी बराबर यू प्लस एटी। ये आ गया बच्चों आपका एक डेरिवेशन। वो क्लियर हो बच्चों? ये आपका पहला डेरिवेशन है। इसके अलावा इन तीनों, ये जो तीनों डेरिवेशन है, इनका आपको बाई ग्राफ मेथड भी सीखना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले आप न्यूमेरिकली इसका प्रूफ कैसे होता है ये आप सीखोगे बच्चों। आज हम लोग पहला टॉपिक सीख गए हैं वी इक्वल टू यू प्लस एटी। अब जल्दी से बच्चों इस पर एक न्यूमेरिकल देख लो, एक सवाल देख लो, क्योंकि इस पर आपको सवाल ही लगाना भी समझना है,